एकेडमी। आज केमिस्ट्री की क्लास में हम एसिड बेस सॉल्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले जो इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम एमसीक्यूज पे जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट है हमारे पास कॉस्टिक सोडा अब कॉस्टिक सोडा को जो है हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका केमिकल फॉर्मूला है एन एच देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉमन नेम क्या हो गया कॉस्टिक सोडा पूछा जा सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है या फिर कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड वही उसका केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो ये लर्न करना है नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस प्रोसेस से जो है ये बनता है तो ये बनता है आपका क्लोरो एल्कली प्रोसेस प्रिपेयर बाय क्लोरोएल्कली प्रोसेस कौन सा अपेरेटस जो है इसकी फॉर्मेशन में यूज होता है तो वो है आपका कैसनर एंड कैलनर प्रोसेस सॉरी अपेरेटस कैसनर एंड कैलनर टिस नेक्स्ट हम इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे जो एक्स्टिक सोडा बनता है तो जब सोडियम क्लोराइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है आपका सोडा साथ ही साथ रिलीज होगी आपकी हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि सोडियम क्लोराइड और वाटर जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा किन किन के रिएक्शन से बनता है तो किस किस के सोडियम क्लोराइड एंड वाटर के रिएक्शन से नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके यूजेस यूजेस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट इसका जो यूज है वो सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग में होता है सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग नेक्स्ट यूज हो गया पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका जो है यूज होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग नेक्स्ट जो यूज है वो है आर्टिफिशियल फाइबर्स मेकिंग आर्टिफिशियल जो फाइबर्स होती हैं उन्हें बनाने में भी जो है कॉस्टिक सोडा का यूज होता है पेपर रायन और डाई इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है पेपर एंड डाई इंडस्ट्री में भी कॉस्टिक सोडा का यूज होता है तो ये जो यूजेस हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऑप्शन में आपके पास दिया होगा तो बस आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर पाए नेक्स्ट यूज है इसका कॉटन की मर्चराइजेशन में भी इसका यूज होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है मर्सराइजिंग कॉटन तो ये तो थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो आपको ये पढ़ने हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा है टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड वही अगर हम बात माफ कीजिएगा अगर हम बात करें इसके केमिकल फॉर्मूले की तो इसका केमिकल फॉर्मूला है सी एओ सी एल टू कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड तो ये भी इंपॉर्टेंट है जितने भी मैं आपको यहाँ टॉपिक करवाऊंगी उनके केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला एंड फॉर्मन नेम आपको लर्न होने चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से नेक्स्ट हम देखते हैं इसका केमिकल रिएक्शन की कैसे जो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है तो जो स्लेक्ड लाइम होता है सी ए ओ एच वाइस क्या बोलते हैं इसको स्लेक्ड लाइम Lime, जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है ब्लीचिंग पाउडर सी एल टू क्या है ये ब्लीचिंग पाउडर ठीक है साथ ही जो है आपका वाटर इसमें रिलीज होगा अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सॉल्यूशन जो इसमें बनता है ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन में वो मिल्की क्यों होता है जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो मिल्की क्यों है क्यों मिल्की है आपका सॉल्यूशन तो क्या रीजन है इसके पीछे इसके पीछे रीजन है जो अनरिएक्टेड लाइम जो है आपके सॉल्यूशन में रह जाता है लाइम स्लेक लाइम से मिलकर बन बन रहा है ना ये तो इसमें कुछ अनरिएक्टेड लाइम रह जाएगा जिसकी वजह से मिल्कि नेस आ जाएगी आपके सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में पूछा गया है तो क्यों है सॉल्यूशन मिल्की ड्यू टू सम अनरिएक्टेड लाइम प्रेजेंट इन दि सॉल्यूशन ड्यू टू सम अनरएक्टेड लाइम प्रेजेंट इन दल्यूशन ठीक है इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट हम बात करें कि प्लांट यूज इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर अब ब्लीचिंग ble पाउडर बनाने में एक प्लांट का भी यूज होता है जिसका नाम है प्लांट कौन सा प्लांट है हेजन क्लेवर प्लांट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे तो ध्यान से सुनिए प्लांट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग कौन सा प्लांट है हेजन क्लेवर प्लांट हेजन क्लेवर प्लांट नेक्स्ट हम बात करें इसके यूजेस की तो इसके यूजेस भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं तो फर्स्ट जो इसका यूज है कॉटन की ब्लीचिंग में इसका यूज है ब्लीचिंग ऑफ कॉटन नेक्स्ट इसका है डिस इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वॉटर डिस इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वॉटर ये यूज तो आपको पता ही होगा डिस के काम आता है नेक्स्ट जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है जो क्लोरोफॉर्म होता है वो भी ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से बनता है क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग तो देखिए ये जो यूज है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट यूजेज इसके करवा दिए गए हैं नेक्स्ट हम चलते हैं बेकिंग सोडा की ओर बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट ठीक है इसका केमिकल फॉर्मूला है एन ए एच सी ओ थ्री याद रखने है आपको कॉमन नेम केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो क्या है क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन तो इसको बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस क्या बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस या फिर इसको बोलते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस क्या बोलते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है. अगर हम बात करें इसके फॉर्मेशन की तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है कैसा होता है <coughs> जब सोडियम क्लोराइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ किन किन के साथ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया जब सोडियम क्लोराइड इनके साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट प्लस इसके साथ ही अमोनियम क्लोराइड भी बनता है तो एनएचसीओ क्या है बेकिंग सोडा तो ये तो थी इसकी फॉर्मेशन ये केमिकल रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है आपको याद करके जाना है एग्जाम में अब देखिए जो NH एन बेकिंग सोडा बन रहा है Na2CO3 बेकिंग सोडा को अगर हम फर्दर हीट प्रोवाइड कराएं तो ये क्या फॉर्म करेगा Na2CO3 प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो जाएगी अब ये जो Na2CO3 है ये क्या है इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि किस कंपाउंड को हीट करने पर आपका वॉशिंग सोडा फॉर्म होता है या वाशिंग सोडा किससे बनता है तो देखिए बेकिंग सोडा को हीट करने पर आपको क्या मिल रहा है वॉशिंग सोडा क्या बोलते हैं केमिकल नेम इसका सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस की फर्स्ट यूज हो गया इसका एज ए एंटासिड इसको यूज किया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में आया भी हुआ है कि एंटासीड कि किसका यूज है तो बेकिंग सोडा को हम एज एंटासिड यूज करते हैं बेकरी में भी इसका यूज होता है एज अ फायर एक्सटिंग भी इसको यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग ठीक है ये रहे इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस अब बेकिंग सोडा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब बेकिंग सोडा आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या रिलीज करता है सीओ टू गैस एग्जाम में पूछा जा सकता है सीओ टू गैस तो ये हमारा हो गया बेकिंग सोडा क्या क्या किया हमने इसमें केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट फॉर्मूला एन ए एस सीओ थ्री माफ कीजिएगा और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या नाम है सोल्वे प्रोसेस अमोनिया सोडा प्रोसेस इसके हमने केमिकल रिएक्शन देखी कैसे केमिकल फॉर्मेशन हो रही है आपकी बेकिंग सोडा की बेकिंग सोडा को हीट करने पर हमें क्या मिलता है वॉशिंग सोडा इसके हमने यूजेस किए और लास्ट में हमने इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया कि बेकिंग सोडा अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सीओ गैस रिलीज करता है तो चलिए नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा अब वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम अभी हमने पीछे किया क्या है केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट क्या केमिकल नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है एन ए टू थ्री डॉट टेन एच टू याद रखिए इसका केमिकल फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है सोडियम कार्बोनेट और इसको क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा अब जो वॉशिंग सोडा है वो जो है टू फॉर्म्स में होता है एग्जिस्ट करता है टू फॉर्म्स में फर्स्ट जो फॉर्म है वो है एन ए टू सीओ थ्री डॉट एच टू जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट क्या बोलते हैं इसको सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट नेक्स्ट जो सेकेंड फॉर्म है इसकी वो है एन ए टू थ्री जिसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट अब जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है इसको एक और नाम दिया गया है एक और नाम से जाना जाता है सोडा एश इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोडा एश का केमिकल फॉर्मूला क्या है या इसका केमिकल नेम क्या है तो क्या है एनहाइड्रोसोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की माफ कीजिएगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी जो है हम क्या बोलते हैं सोल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या नाम है सॉल्वे प्रोसेस या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस अमोनिया सोडा प्रोसेस ठीक है और किसकी थी ये सॉल्वे प्रोसेस और थी ये आपकी बेकिंग सोडा की बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो है सोल्वे प्रोसेस नेक्स्ट हम केमिकल फॉर्मेशन देखते हैं इसकी तो जब आपका एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री क्या है ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट केमिकल फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए और केमिकल नेम भी जब आपका एन ए टू थ्री वॉटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा आपका वॉशिंग सोडा एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ क्या है ये वॉशिंग सोडा ठीक है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट हम इसके यूजेस की बात कर लेते हैं तो so फर्स्ट जो इसका यूज है वॉशिंग सोडा फेमिलियर होंगे आप इसी उसके साथ लॉन्ड्री में लॉन्ड्री में इसका यूज होता है और ग्लास, टोप एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है ये यूज होता है इनकी इनकी ग्लास सोप एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग ठीक है नेक्स्ट है इसका यूज लैब रिएजेंट लैब में भी इसका यूज होता है एज अ रिएजेंट और ये क्या करता है इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है पूछा गया है एग्जाम में रिमूव हार्डनेस ऑफ वॉटर हार्डनेस ऑफ वॉटर कौन रिमूव कर रहा है आपका वॉशिंग सोडा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो वॉशिंग सोडा से रिलेटेड है वो है ई फ्लोरे फ्लोरिस इ्लोरेसेंस क्या होती है एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे तो ई e फ्लोरेसेंस क्या होती है जब वॉशिंग सोडा आपका वॉशिंग सोडा एयर के साथ रिएक्ट करके एयर के साथ रिएक्ट करता है तो ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है किसमें वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं मोनोहाइड्रेट मोनोहाइड्रेट तो वॉशिंग सोडा से वाइट पाउडर बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम ई e फ्लोरेसेंस तो ये तो हो गया हमारा वॉशिंग सोडा नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका क्या बोलते हैं और इसको पी पी इसका जो केमिकल नेम है वो है टी ए एस ओ फोर माफ कीजिएगा इसका जो केमिकल नेम है सॉरी फॉर्मूला है सी ए एस ओ फोर डॉट हा एच टू ओ ये है इसका केमिकल नेम, सॉरी फॉर्मूला माफ कीजिएगा ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट इसको क्या बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस अब बात करें हम इसकी फॉर्मेशन की कैल्शियम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये आपका बनता है जिप्सम से जिप्सम का क्या केमिकल फॉर्मूला है पहले किया है हमने हाइड्रेट्स ऑफ सॉल्ट में जिप्सम का फॉर्मूला सी एस को डॉट टू एच टू ओ ये क्या है आपका जिप्सम इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है और साथ ही साथ इसे क्या बोलते हैं हाइड्रेट ऑफ सॉल्ट तो जब जिप्सम को हम हीट करते हैं ऑन हीटिंग जिप्सम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो आपको क्या मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस साथ ही साथ एच टू ओ जो है रिलीज होगा तो ये बन गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे जिप्सम से जब हम जिप्सम को हीट करते हैं हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में तो वो क्या बनाता है पीओपी रिवर्सिबल प्रोसेस है ये आप पीओपी से फिर से जिप्सम बना सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो यूजेस हैं उनको डिस्कस करते हैं तो देखिए पीओपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जिससे आप फेमिलियर होंगे वो है सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स देखा होगा आपने जब भी बोन्स टूटती हैं तो जो प्लास्टर किया जाता है वो पीओपी का होता है सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स फ्रैक्चर बोन्स नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है टॉय मेकिंग या फिर कास्ट ऑफ स्टैच्यूज स्टैच्यूज देखी होंगी आपने तो इनमें भी इसका यूज होता है अब जो आपने देखा होगा घरों में जो सील जो सीलिंग बनती है या पिलर पे जो डिजाइन बनते हैं वो भी पीओपी से बनते हैं सीलिंग एंड पिलर अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इसका जो कॉमन नेम है वो है डेड बर्न प्लास्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि डेड बर्न प्लास्टर किसको बोलते हैं तो किसको बोलते हैं एनहाइडर एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ब्राइन सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन तो किसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को नेक्स्ट है आपका अमोनिकल ब्राइन अमोनिकल ब्राइन किसको बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन ये होता है आपका जब NaCl को सेचुरेट किया जाता है NH3 यानी कि अमोनिया के साथ NaCl सी विद अमोनिया ये तो हमने कर लिए इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स डिस्कस तो अब नेक्स्ट हम करेंगे एमसीक्यूज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू तो देखिए सबसे फर्स्ट आपका जो एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन स्टार मिल्क कल ही हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है ये टॉपिक कि कौन सा एसिड जो है किसमें प्रेजेंट होता है तो so, देखिए सबसे पहले जो है ऑप्शन है आपके टार्टरिक एसिड सेकंड ऑप्शन है सीटरिक एसिड थर्ड ऑप्शन है एसिटिक एसिड एंड फोर्थ है लैक्टिक एसिड सौर मिल्क में जो है आपका प्रेजेंट होता है ऑप्शन फोर लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड किस में होता है सौर मिल्क में में और अगर हम बात करें टार्टरिक एसिड की तो टार्टरिक एसिड आपका इमली में पाया जाता है एसिटिक एसिड आपका विनेगर में पाया जाता है इमली यानी कि टैमरिन सिट्रिक एसिड आपका सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है जैसे कि ऑरेंज हो गया लेमन हो गया आपका ठीक है तो इस तरह हमने फोर की फोर जो है ऑप्शन डिस्कस कर ली है देखिए क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकता है एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया है डायरेक्ट क्वेश्चन है चार्ट आपको दिया गया है इसका तो पढ़ना है वो आपको जरूर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड आपके ऑप्शन है ऑप्शन वन एच टू सी ओ थ्री ऑप्शन टू सी एच थ्री सी ओ एच ऑप्शन थ्री एच सी ओ ओ एच एंड ऑप्शन फोर एच सी एल देखिए हमने टू टाइप के एसिड किए थे कल ऑर्गेनिक एंड तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फोर आपका HCL सी क्या है आपके पास इन ऑर्गेनिक एसिड है बाकी के थ्री आपके ऑर्गेनिक एसिड है नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन इन्वर्टर बैटरीज कल ही आपको करवाया हुआ है आपकी ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड ऑप्शन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन थ्री सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑप्शन फोर एसिटिक एसिड तो देखिए जो इन्वर्टर बैटरी में यूज होता है वो आपका है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि ऑप्शन थर्ड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एसिड्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटेनर्स मेड अप ऑफ आपकी ऑप्शन है प्लास्टिक ऑप्शन टू ग्लास ऑप्शन थ्री मेटल एंड ऑप्शन फोर क्ले तो देखिए हमने कल ही पढ़ा है एसिड्स को जो है कभी भी मेटल में स्टोर किया नहीं जाता है क्योंकि ये रिएक्ट करता है और क्या कर देगा कोरोड कर देगा मेटल को क्ले में तो हम कर ही नहीं सकते हैं प्लास्टिक में भी नहीं होता है आपका एसिड स्टोर क्योंकि ये जो है इसको बर्न कर सकता है तो स्टोर किया जाता है ग्लास में या फिर सिरामिक्स में सिरामिक्स कंटेनर में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू आपकी ऑप्शन है ऑप्शन वन ग्रीन ऑप्शन टू रेड ऑप्शन थ्री येलो एंड ऑप्शन फोर ऑरेंज तो देखिए ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है ब्लू से रेड में आपका एसिड जो है लिटमस पेपर को टर्न कर देता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू रेड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड हमने कल एसिड डिस्कस किए थे टू टाइप्स के एसिड होते हैं वीक एंड स्ट्रांग ंग एसिड तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन वन है आपकी सी एच थ्री सी ओ ओओ एच एसिटिक एसिड या फिर एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड या फिर एच टू एस एसओ फोर तो आपका वीक एसिड इनमें से है सी एच थ्री सी ओ ओओ एच ये क्या है आपका वीक एसिड बाकी के जो तीन है वो आपके स्ट्रोंग एसिड है देखिए एग्जाम में कुछ भी आ सकता है यहाँ वीक एसिड पूछा गया है एग्जाम में हो सकता है यही ऑप्शन हो और आपसे स्ट्रॉग एसिड पूछा गया हो कि कौन से है स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें से तो सेन ओ थ्री आपको याद कर लेने हैं ये तीन तो इंपॉर्टेंट है और तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम अभी हमने डिस्कस किया है जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला तो आपकी ऑप्शन वन है सी ए एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओ ऑप्शन टू सी एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू ओ ऑप्शन थ्री एफ ए एस ओ फोर डॉट सेवन एच टू ओ या ऑप्शन फोर सी ओ एस ओ फोर डॉट फाइव एच टू ओ तो देखिए जिप्शम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है आपका ऑप्शन वन सी एस ओ फोर पॉइंट डॉट टू एच टू ओ वही अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें सी ए एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू ओ तो ये आपका है माफ कीजिएगा ये आपका केमिकल फॉर्मूला है पीओपी का वही अगर थर्ड ऑप्शन की हम बात करें एफ ए एसओ फोर डॉट सेवन एच टू तो ये है आपका केमिकल फॉर्मूला ग्रीन विट्रियल का लर्न होने चाहिए आपको ये केमिकल फार्मूला टिप्स पे इनके साथ इनके केमिकल नेम भी फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ये है ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें हु प्रपोज पी एच स्केल ऑप्शन वन है ऑसवॉल ऑप्शन टू सोरेन्सन ऑप्शन थ्री मैंडलीफ एंड ऑप्शन फोर बोहर तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है डिस्कस करने की जरूरत नहीं है सीधा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू सोरेन्सन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाटर सॉल्यूबल बेस इज नोन एज आपकी ऑप्शन है बेसिक एंड सॉल्टी इसका आंसर है अल्कली। अल्कली क्या होते हैं ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं टेंथ क्वेश्चन की हम बात करें विच बेस इज इनसॉल्यूबल इन वॉटर तो इनमें से कौन सा जो बेस है वो वॉटर में इनसॉल्यूबल है देखिए बेस टू टाइप्स के होते हैं सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सॉल्यूबल बेसिस को जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम अल्कली और इनसॉल्यूबल के एग्जाम्पल जो मैंने आपको कल करवाए थे तो ऑप्शन वन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा सी यू ओ कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड जो है आपका इन सोल्यूबल बेस है नेक्स्ट हम बात जो इसके बाकी के तीन ऑप्शन बच गए वो सॉल्यूबल है सोल्यूबल सॉल्यूबल बेस जिन्हें हम क्या कहते हैं अलकली ठीक है Alkali, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी ट्वेल्थ क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई बेसिक एसिड हमें बताना है डायबेसिक एसिड क्या होते हैं डायबेसिक का क्या मतलब है यहाँ पे कि कोई भी एसिड जब डिसोशिएट होगा तो उसमें से रिलीज होंगे आपके माफ कीजिए हाइड्रोजन आयन ठीक है तो डायबेसिक क्या हो गया मतलब टू हाइड्रोजन आयन होंगे ठीक है तो अगर इनमें से देखते हैं किसके पास टू हाइड्रोजन आयन हैं अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें एच थ्री ओ फोर की तो इसके पास जो है थ्री हाइड्रोजन आयंस हैं अगर हम सेकंड ऑप्शन एच सी एल की बात करें तो ओनली वन हाइड्रोजन आयन है एच के पास जो है टू हाइड्रोजन आयन है एच के पास भी वन हाइड्रोजन आयन है तो इनमें से डाई बेसिक कौन हुआ ऑप्शन थ्री एच जिसके पास टू हाइड्रोजन आयन है तो इसे डाई बेसिक एसिड भी बोला जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन की अगर हम बात करें विच गैस विल बी इवॉल्व व्हेन मेटल इज रिएक्टेड विद सम मिनरल एसिड तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारी हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है तो ऑप्शन वन इसका करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस फोर्टीन क्वेश्चन है आपका विच एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट आंट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ऑप्शन वन फॉर्मिक एसिड ऑप्शन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन थ्री सिट्रिक एसिड एंड ऑप्शन फोर एसिटिक एसिड तो आप, आपकी रेड आंट है उसमें जो एसिड होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस फील सोपी इन टच तो टच में जो सोपी फील हो वो होते हैं बेस आपके तो ऑप्शन टू जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर लैक्टिक एसिड मेलिक एसिड एसिटिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड तो देखिए विनेगर जो है विनेगर में कौन सा एसिड होता है एसिटिक एसिड सी वहीं हम बात करें लेक्टिक एसिड की तो ये कर्ड में होता है मेलिक एसिड आपका एप्पल में होता है टार्टरिक एसिड आपका टेमरिन में होता है क्या होती है टेमरीं? इमली क्वेश्चन की अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर अभी हमने डिस्कस किया है फायर एक्सटिंग्विशर की कौन से एसिड को यूज करते हैं हम एक्सटिंग्विश करने में फायर फर्स्ट है एच सी एल सेकेंड है सल्फ्यूरिक एसिड थर्ड ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड एंड फोर्थ कार्टरिक एसिड सिंपल सा आंसर है सेकंड इसका करेक्ट uh, हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं व्हेन एसो टू डिजोल्व इन वॉटर द एसिड फॉर्म इज जब आपका एसो टू वॉटर में डिजोल्व हो रहा है तो कौन सा एसिड बनेगा आपकी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन टू सल्फ्यूरस एसिड ऑप्शन थ्री सल्फोनिक एसिड या नन ऑक्टिस तो देखिए जब सल एसओ गैस वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो आपका जो एसिड बनता है वो बनता है एच टू एस ओ थ्री यानि कि सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरस एसिड तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक पेप्सी कोला कंटेन आपकी ऑप्शन है सी एच थ्री सी ओ ओओ एच ऑप्शन टू एच टू सी ओ थ्री ऑप्शन थ्री एच एन ओ थ्री एंड ऑप्शन फोर एच टू एस ओ फोर तो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या पाया जाता है माफ कीजिएगा ऑप्शन टू इसकी करेक्ट आंसर है एच टू सी ओ थ्री जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट तो आपके ऑप्शन है सी एओ एच टी सी ओ थ्री एम जी कल ही हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट किए हैं क्या क्या है जिप्सम आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है इप्सम आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है पीओपी -पी आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है ब्लू विट्रियल आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है ग्रीन विट्रियल आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है साथ ही साथ इनके केमिकल फॉर्मूला भी आपको याद होने चाहिए देखिए इस क्वेश्चन में केमिकल फॉर्मूला आए हैं केमिकल फॉर्मूला आए हैं तो आपको केमिकल फॉर्मूला लर्न होने चाहिए नेम नहीं आए हो सकता है नेम भी आए तो दोनों आपको लर्न होने चाहिए अगर हम बात करें हाइड्रेटेड सॉल्ट इनमें से कौन सा है तो वो है आपका ऑप्शन थर्ड एम जी फोर डॉट सेवन एच टू जिसको बोलते हैं इप्सम तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इन डाइजेशन आपकी ऑप्शन है ऑप्शन वन एंटीबायोटिक एनलजेस्टिक एंटासिड एंड एंटीसेप्टिक तो इसका करेक्ट आंसर है एंटासिड एंटासिड जो है इन में इन डाइजेशन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं वहीं बात करें एंटी anti, एंटीबायोटिक्स की तो ये बैक्टीरियल इंफेक्शन जो होता है बॉडी में उससे हमें प्रोटेक्ट करता है एनलजेसी के प्रेन रिलीवर होती है एंटीसेप्टिक की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करता है ठीक है ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन की बात करें सॉल्यूशन रिएक्ट विद कॉज ऑप्शन option है ऑप्शन ऑप्शन टू लिथियम क्लोराइड ऑप्शन थ्री हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन फोर केसी एल पोटासियम क्लोराइड तो देखिए क्वेश्चन क्या था असोलूशन री एक्स विद कॉस्ट gas गैस दैट टर्न water वाटर The solution कंटेन तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl आपका फर्स्ट ऑप्शन अब जो शेल होता है एग शेल में आपके पास किससे बना होता है आपका एग शेल वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से और ये जो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो रहा है पीछे रिएक्शन किया है हमने लाइम वाटर मिल्की टर्न किसकी वजह से हो रहा है CO2 टू की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ एन एसिड इज सॉल्टी सॉर स्वीट बीटर तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है सॉर और बीटर की बात करें तो वो कौन होते हैं आपके बेस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एसिड तो देखिए सिट्रिक एसिड आपके पास एक नेचुरल एसिड है एसिटिक एसिड भी एक नेचुरल एसिड है लैक्टिक एसिड भी एक नेचुरल एसिड है तो रहा सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड जो नेचुरल नहीं है ये एक मिनरल एसिड है कैसा है ये मिनरल एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड यूज इन बैटरीज ऑफ कार्स एंड ट्रक इज आपका ऑप्शन वन है नाइट्रिक एसिड ऑप्शन टू सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन थ्री हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन फोर टार्टरिक एसिड तो सिंपल सा क्वेश्चन है बैटरीज में आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है इफ द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज टेन द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक न्यूट्रल बेसिक और नन ऑफ दिस तो देखिए वन से लेकर सिक्स तक आपका एसिडिक होता है एट से लेकर फोर्टीन तक बेसिक होता है और सेवन जो है वो न्यूट्रल है तो क्वेश्चन में टेन बोला गया है तो ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा बेसिक पीएच है ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन की बात करें तो बाय डिजोल्विंग मेटल ऑक्साइड इन वाटर वी गेट एसिड सॉल्ट बेस या नन ऑफ दिस तो जब मेटल ऑक्साइड आपकी वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो आपको मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड क्या मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड आपका बेस होते हैं नेक्स्ट बात करते हैं ट्वेंटी एट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अस्ट्रॉन्ग बेस एम जी ओ एच सी एच के ओ एच एंड एन एच फोर तो स्ट्रॉन्ग बेस इसमें से है ऑप्शन थ्री के ओ एच बाकी जो है वो वीक बेस है देखिए एमसीक्यू से भी आपके इन एमसीक्यू से कितने सारे क्वेश्चन आपके बन गए होंगे किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं तो आज की क्लास में हमने थोड़ी सी थ्योरी की उसके बाद थोड़े से एमसीक्यू डिस्कस किए आपको ये सारे पढ़ने हैं कहीं से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो आज की क्लास में इतना ही धन्यवाद